भाई अब खबर विस्तार से आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले आप तक खबर पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से खबर, जहां का अर्जुनगंज हादसे में घायल लोगों को थोड़ी देर में अस्पताल देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। कल रात लखनऊ जिला पुलिस की डेमो वैन से हुई दुर्घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का आदेश दिया गया है। घटना लखनऊ में हुई थी, जिसमें एक 13 साल की बच्ची और एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोनों अर्जुनगंज की ही वाली थी। और अब बड़ी अपडेट इस मामले पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद अस्पताल पहुँच सकते हैं। राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज हादसे में जिन महिला और एक बच्ची की जान गई है, डेमो वैन से एक्सीडेंट के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है, और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करेंगे, जो कि आज बुलंदशहर से अलीगढ़ पहुंची, और इस यात्रा में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। ये एक बड़ी खबर के अलावा आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं आज की, उत्तर प्रदेश से आती हुई, जहां पर रायबरेली एम्स लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इस समारोह में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। लोकार्पण समारोह में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इसके अलावा मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। रायबरेली से पीएम मोदी राजकोट, बठिंडा, कल्याणी और मंगलागिरी को भी एम्स समर्पित करने जा रहे हैं आज। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। ये तैयारियां आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर की जा रही हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं कार्यक्रम की, जहां पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट से जुड़ने वाले हैं वर्चुअली, और सीएम योगी यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे यहां, डिप्टी सीएम यहां मौजूद होंगे कार्यक्रम के दौरान। बड़ा कार्यक्रम आप कह सकते हैं, बड़ी सौगात भी आप कह सकते हैं यहां पर रायबरेली वालों को लिए। रायबरेली एम्स का आज लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लोकार्पण समारोह की आप तैयारियां देख रही हैं, पूरी हो चुकी हैं तैयारियां, जहां पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर रहेंगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी यहां पर रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम जो है आज शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो चिकित्सा के लिहाज से आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा कदम है, और जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, आज वो सपना सच होता हुआ देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि गुजरात में है, गुजरात के राजकोट से वो वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, और वर्चुअली रायबरेली एम्स का लोकार्पण करने वाले हैं आज पीएम मोदी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के लिहाज से आप ये बड़ा कदम कहिए, जहां ये कार्यक्रम जो होना है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेंगी और स्वास्थ्य मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे। मोहन कृष्ण और जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे कार्यक्रम स्थल से। मोहन कृष्ण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज कार्यक्रम कितने बजे शुरू होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे, कार्यक्रम शाम को 4 बजे शुरू होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 3:55 पर अपने यहाँ एम्स रायबरेली में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। और हमारे पीछे ये स्टेज बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहीं पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, और उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीछे कुर्सियां लगी हैं, लगभग 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर एम्स प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद होंगे और पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे। जी, कार्यक्रम की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, काफी यहाँ पर हम देख सकते हैं गहमा गहमी बनी हुई है, लगभग कार्यक्रम पूरा होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें, ये बड़ा कदम जिसकी मांग लंबे समय से रायबरेली वासी कही है, आसपास के और क्षेत्र हैं और इलाके हैं उनकी तरफ से की जा रही थी, अब वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कई उपलब्धियों में योगी सरकार की एक और उपलब्धि जुड़ जाती है आज। जी बिल्कुल, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। रायबरेली एम्स के लोकार्पण के बाद ये तय माना जा रहा है, इसके इर्द गिर्द जो लगभग एक दर्जन जिले हैं उनका भी लाभ मिलेगा। जो पूर्वांचल का जो बुंदेलखंड का इलाका है उसके मरीज भी यहाँ पे आएंगे और उनको विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें, हमारे सहयोगी इस पर जानकारी भी दे रहे हैं और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश वासी योगी सरकार के कामकाज से बेहद खुश हैं, उन्हीं बेहतर कामों में एक और उपलब्धि ये जुड़ती हुई, जहां पर आज रायबरेली एम्स का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं।